Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will solve the numericals of NCERT book. That is the numerical of chapter 2nd and some questions of NCERT book. So let us take the reasoning. There is a question from the NCERT book, that is example number 2.7. It is asked that a comb run through once dry hair attracts small bits of paper. Why? जब हमारे पास क्या होता है, when the comb that runs through the dry hair, then it attracts the bits of the paper. इसका reason क्या है हमारे पास? Because due to the friction, the comb that gets a charged. So due to the static electricity, it attracts the bits of paper. So kya hoga hamare paas? That due to friction with dry hair, comb gets charged ho gaya hamare paas. Hence it attracts the bits of paper. अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ द हेयर इज वेट देन व्हाट विल हैपन, और इफ देयर इज रेनिंग. अब क्या होगा कि इफ द हेयर इज वेट देन व्हाट हैपन्स? दैट द फ्रिक्शन इज नॉट इनफ टू चार्ज द कॉम, मतलब इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा कि ये कॉम को क्या कर सके, आपके पास चार्ज कर सके. हेंस द कॉम दैट विल नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ द पेपर. तो उस केस में आपके पास कॉम जो है वो उन पेपर के बिट्स को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. ठीक है. सो व्हेन द हेयर इज वेट देन द फ्रिक्शन इज नॉट enough to charge the comb, hence it will not attract the bits of the paper. Second one, बहुत ही important question है हमारे पास. देखो क्या होता है हमारे पास, मैं दो question को ये B और C part दोनों को मैं इकट्ठे explain करूँगा यहाँ पर. हमारे पास क्या होता है कि in the plane, the tire of the plane, these are made slightly conducting. थोड़े से कंडक्टिंग बनाए जाते हैं हमारे पास. क्यों बनाए जाते हैं? इवन पता ही है हम लोगों को कि जो रबर है दैट इज अ इंसुलेटर, स्टिल द टायर ऑफ द प्लेन दैट आर मेड अ कंडक्टिंग. अब हमें पता है कि दैट बिफोर टेकिंग अ फ्लाइट और आफ्टर द फ्लाइट द प्लेन दैट रन ऑन द रनवे, ऐसा ही होता है हमारे पास. सो ड्यूरिंग दैट टाइम what happens that there is a friction of the plane with the air as well as with the ground. Hence the body of the plane that gets charged. Ab charge hoga, then what happens that due to this charge there may be a spark and hence it may catch the fire. So this excess charge that must be discharged. Ye kya hona chahiye aapke paas? Discharge hona chahiye. To ab discharge kaise hoga? Hame pata hi hai ki jo earth hai that is at the zero potential. Kiske upar hai beta aapke paas? Zero potential ke upar hai. So that's why the tire of the plane that are made conducting, so that the excess charge which is worked on the body of the plane due to the friction that is just passed to the earth through the tires. वो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर पास हो जाएगा? आपके पास अर्थ में पास हो जाएगा. इसके थ्रू टायर्स के थ्रू पास हो जाएगा. ये बात हो गई इसकी. दूसरी बात, आपके पास पहले होता था ये, अब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अब भी आपके पास वही है. द व्हीकल कैरिंग हाईली इनफ्लामेबल मटीरियल आर प्रोवाइडेड विद द कंडक्टिंग रोप्स टचिंग द रोप, मतलब आगे उसके क्या होती थी, रोप्स लगी होती थी इस तरीके से जो कि रोड को टच करते थे. अब वो क्यों प्रोवाइड की जाती है? जैसे आप लोगों के पास हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल, जैसे मान लो आपके पास पेट्रोलियम लेकर के जा रही है कोई गाड़ी, ठीक है, या आप लोगों के पास क्या है, गैस है, सीएनजी आप लोगों के पास है, ठीक है, इस तरीके से. तो ये सारे के सारे मटेरियल कौन से आ गए? हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल्स. अब
क्या होता है इसमें भी, ड्यू टू द फ्रिक्शन द बॉडी ऑफ द व्हीकल दैट गेट्स चार्ज्ड. अब ड्यू टू द स्पार्क द हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल दैट मे कैच द फायर. इसीलिए आपके पास द चार्ज बल्क दैट इज पास टू द अर्थ थ्रू दीज कंडक्टिंग रॉड्स. ठीक है, इन कंडक्टिंग रॉड से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है कहाँ पर, अर्थ में, साथ के साथ ही. जैसे जैसे डेवलप होता जाता है वैसे वैसे कहाँ पर पास होता जाता है. लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कोई भी इस तरह की रोप्स जो होती हैं, पास कंडक्टिंग रोप्स हम लोग इनको बोलते हैं, रॉड्स नहीं रोप्स आप लोग बोलते हैं, तो आजकल तो नहीं लगी होती हैं, तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा. तो आजकल क्या किया गया है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जैसा सिस्टम किसमें किया गया है, प्लेन में किया गया है आपके पास, वैसा ही व्हीकल में कर दिया जाता है कि दैट द टायर्स ऑफ द व्हीकल कैरिंग हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल दैट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग सो एज द चार्ज बल्क ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल कैरिंग हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल दैट इज अ पास्ट टू द अर्थ. साथ के साथ वो क्या होता जाएगा, आपके पास अर्थ में पास होता जाएगा. ठीक है, अब डी बार हमारे पास आता है यहाँ पर. इसमें बोला गया है कि भाई आपके पास अगर अ बर्ड परचिंग ऑन द हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है, डू नॉट गेट एनी शॉक, उसके उसको कोई भी शॉक जो है वो नहीं लगता है. बट इवन अ पर्सन दैट इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बेयर फुट दैट टच द हाई वोल्टेज लाइन देन व्हाट हैपेंस दैट ही गेट्स अ फेटल शॉक. फेटल शॉक मीन्स आपके पास इवन इट कैन कॉज द डेथ. सो हमें पता है कि करंट जो है हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम कहाँ से, हाई वोल्टेज टू वेयर दैट इज अ लो वोल्टेज, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे पास फ्लो करेगा. सो करंट दैट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अर्थ इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल. जब हमारे पास क्या है कि जो बर्ड है दैट इज सिटिंग ऑन ओनली वन लाइन, एक लाइन के ऊपर बैठा होगा आपके पास, ठीक है, एक ही वायर के ऊपर बैठा है, सो देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक ही वोल्टेज है, जितने वोल्टेज यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है, सो देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट हैपेंस दैट नो करंट दैट फ्लोस थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड. लेकिन हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर आपके पास मान लो ये सरफेस आ गया अर्थ का, हम लोग यहाँ से टच कर रहे हैं इसको, नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज एट जीरो पोटेंशियल. और यहाँ पर मान लो आपके पास हाई वोल्टेज है, मान लो मैंने मान लिया ये 11,000 वोल्ट के ऊपर है, नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे इसको हम लोगों ने टच किया देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एंड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दैट पास थ्रू आवर बॉडी हैंस वी गेट अ फेटल शॉक. उसी की वजह से हम लोगों को लगता है शॉक लगता है. तो इसका रीजन सिंपल से लिखना आप लोगों ने दैट द अर्थ प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज द करंट फ्लोज थ्रू द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो द ह्यूमन और द पर्सन दैट गेट्स अ फेटल शॉक ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. उसी की वजह से उसको क्या लगाएगा, फेटल शॉक. ठीक है, हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 2.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2.8 की बात करें तो हम लोग 2.8 डायलेक्ट्रिक्स जो हम लोगों ने रखा था, आप लोगों ने ऐसे नहीं सॉल्व करना है जैसे बुक में किया है, जैसे मैं करूंगा बेटा वैसे ही आप लोगों ने करना है इसको. इसमें बोला गया है कि दैट अ स्लैब ऑफ द मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 3/4 d वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. हाउ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. तो हमें पता है दैट द कैपेसिटेंस, दिस इज एग्जांपल नंबर 2.8. कैपेसिटेंस विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डायलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3 हम लोग मान लिया,
की है, तो हमने निकाला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के, एक ये था। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला। अब d की वैल्यू जो है लास्ट थिकनेस दे रखी है 3/4 ऑफ d, कितना दे रखा है 3/4 ऑफ d, इतनी आपके पास थिकनेस दे रखी है। तो हमारे पास का डिस्टेंस c का इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस 3/4 ऑफ d प्लस 3/4 और ये आ गया k आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा आपके पास। सो c दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दिस इज 1/4 d प्लस 3/4 और ये के आपके पास, और साथ में अच्छा ये d भी था साथ में आपके पास 3/4 ऑफ d, यस दिस इज d, ठीक है 3/4 ऑफ d। अब 1/4 d कॉमन है मेरे पास, मैं कॉमन ले लेता हूँ 1, दिस वन इज 1/4 d, मैंने दे दिए कॉमन, इन साइड बच गए मेरे पास 1 प्लस दिस इज कितना बच गया बेटा आपके पास, दैट इज 3/3 क्योंकि 4 बाहर चला गया, दिस वन इज आ 1 डी भी आपके पास बाहर चला गया, तो ये बच गया हमारे पास किसके बराबर, दैट इज c इज इक्वल टू किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दिस इज 1/4 d इंटू दिस इज k प्लस 3 अपॉन k। इसको मैं देखूं तो ये 4k हो जाएगा, 4k ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास बच गया ये किसके बराबर, दैट इज c इज इक्वल टू दैट इज 4k अपॉन दैट इज k प्लस 3 और यहां पर एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब ये एप्सिलॉन नॉट a बाई d इसके बराबर है c नॉट के बराबर, सो दिस कैपेसिटेंस c दैट इज इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3 c नॉट, इतना कैपेसिटेंस आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी दी जा सकती है आपके पास, k की वैल्यू भी दी जा सकती है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3.9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, हम लोग बात करते हैं 3.20 की, सॉरी 2.20 क्वेश्चन नंबर 2.20।
लेकिन ये है अनचार्ज, इसका मतलब वी टू हो गया जीरो के बराबर। तो जब एनर्जी निकालनी है टोटल सिस्टम में निकालनी, इसके साथ कनेक्ट किया गया इसको, तो इनका आएगा कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग पहले निकाल देंगे कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, दैट इज इक्वल टू सी वन कितना बेटा 9 इंटू 10 रेस पावर माइनस 10, वी वन कितना है 100 प्लस 9 इंटू 10 रेस पावर माइनस 10 इंटू जीरो, वी टू जीरो है। सी वन प्लस सी टू देखो दोनों बराबर ही है, 9 प्लस 9 लिख दिया मैंने और 10 रेस पावर माइनस 10 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया जीरो, तो वी हमारे पास आता है वी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर 9 इंटू 10 रेस पावर माइनस 10 इंटू 100, मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से बच गया आपके पास 18 इंटू 10 रेस पावर माइनस 10, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 9 टू जा 18 और ये आ गया आपके पास 15। तो बी आपके पास आ गया कितना, दैट इज 15 हो। अब निकाल दिया एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई टू दैट इज हाफ, अब दो जुड़ गए सी वन प्लस सी टू इंटू कॉमन पोटेंशियल बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर आपके पास आएगा। सो ई टू इज इक्वल टू हाफ इंटू सी वन कितना है आपके पास 9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10, तो उसको कॉमन ले लूंगा, दूसरा भी 9 है 10 रेस्ट पावर माइनस 10 और वी वन स्क्वेयर मतलब वी स्क्वेयर मतलब दैट इज अ 50 का स्क्वेयर। सो दैट इज ई टू, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, ई टू इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 18 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10, ये 50 का स्क्वेयर करूंगा मैं तो आ गया 25 इंटू 10 रेस्ट पावर 2, ये हमारा। सो ई टू इज इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 इंटू 25 इंटू 10 रेस्ट पावर 2। सो ई टू दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 25 10 रेस्ट पावर माइनस 8 जूल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 जूल। अब ये एनर्जी आपके पास बची जो इसमें स्टोर है सिस्टम में, इसका मतलब पहले एनर्जी थी इतनी अब बच गई है, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो एनर्जी लॉस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू ई1 माइनस ई2, तो कितना एनर्जी लॉस आ जाएगा आपको सरफेस वाले का 10 रेस्ट पावर माइनस 6 आ जाएगा, 10 रेस्ट पावर माइनस 6 क्योंकि ये दो पॉइंट हम लोग ने अब गए, तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 2.25 इनटू 10 रेस्ट 4.5 में से 2.25 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2.25 ही बच जाएगा। सो एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू 2.25 इनटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 जूल के बराबर आपके पास आ जाएगा अगर एनर्जी लॉस आप लोगों से पूछा गया हो तो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करें अब ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गए हैं, वेल्डिंग ग्राफ जनरेटर आपके पास हट गया है, सिलेबस से हट गया है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे हम। कुछ क्वेश्चन हम लोग बात के लिए रखेंगे, कुछ आपको तो दूंगा, कुछ लिए थे मैंने, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4, शायद आप लोगों ने कुछ बच्चों ने किया था ये 2.4। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, कंडक्टर की रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर मतलब 12 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर, दिस वन इज गिवन, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 कूलम, दिस वन इज अ चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले निकालना है इनसाइड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर पता ही आप लोगों को एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, देयरफॉर इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जीरो, सीधा वर्ड यूज करना आप लोगों ने, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो।
दूसरा पूछा गया जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो फार द पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर और द स्फेरिकल कंडक्टर, द कंडक्टर विल बिहेव एज और द स्फीयर स्फेरिकल कंडक्टर दैट विल बिहेव एज इफ होल ऑफ इट्स चार्ज दैट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास ई इसका बराबर आ जाएगा दैट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस सो ई दैट इज इक्वल टू क्यू कितना आता 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इनटू 10 टू द पावर 9 और आर आपके पास 12 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 का स्क्वायर। दस इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अब यहां से देखें तो ई दैट इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 16 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 अपॉन यहां से 144 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4। ठीक है सो ई दैट इज इक्वल टू 69 का 144 यहां से बच गया 10 और ये 10 रेस्ट पावर माइनस 4 ऊपर जाकर हो गया प्लस डिवाइडेड बाय 144। तो यहां से हमारे पास 144 से 144 कैंसिल आउट सो ई दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर। ये हमारे पास ठीक। अब सी पार्ट हमारे पास पूछा गया कहां पर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मींस 18 इनटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मीटर। इतने डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने लिखा तो फिर से वही फार्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू किसके बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। So E that is equal to Q कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 7 ओके हाँ यही था आपके पास 1 upon 4 by epsilon naught 9 into 10 raised to power 9 R square 18 into 10 raised to power minus 2 का 4 square। So E that is equal to 16 into 10 raised to power minus 8 9 into 10 raised to power 9 divided by 18 into 10 raised to power minus 4। ठीक है सो 9 2 18 2 8 4 9। तो यहां से बच जाएगा आपके पास ई इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा आपके पास 40 अपॉन 9 क्योंकि 10 बचेगा यहां से और ये 10 raised to power 4 ऊपर चला गया E that is equal to 9 4 is 36 मतलब ये 10 raised to power 4 न्यूटन पर। This one is the electric field intensity। ठीक है यही आपके पास इसकी वैल्यू है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 की। 2.5 इसको देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि दैट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फैराड सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी दैट इज इक्वल टू 8 पिको फैराड। ये समझते हैं ठीक है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अब नया कैपेसिटेंस निकालना है जब प्लेट्स क्या हो गया आपके पास डिस्टेंस जो है दैट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। हमारे पास ये कर दिया गया दिस डी डैश दैट इज इक्वल टू डी बाई टू और एक डायलैक्ट्रिक मीडियम डाल दिया हमारे पास कितना एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से इसको ये हमारे पास बीच में फिल कर दिया। तो नया कैपेसिटेंस दे देते हैं बाकी एरिया तो वही रखा क्या हो जाता है आपके पास कैपेसिटेंस दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू मतलब दिस इज इक्वल टू 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
तो ये कैपेसिटेंस आपके पास किसके बराबर रहेगा, टू के, और ये किसके बराबर है, सी नॉट के बराबर। सो सी दैट इज इक्वल टू इंटू के सिक्स के बराबर है और सी नॉट किसके बराबर, एट पीको फैराड के बराबर। सो सी दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया कितना, 96 पीको फैराड। दिस वन इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये 2.6 आप लोगों ने कर लिया होगा, 2.7 आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि सिंपल से कॉम्बिनेशन के हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। नहीं किए होंगे जिसने, उसने करने हैं ये क्वेश्चन 2.6 एंड 2.7 आप लोगों ने खुद से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ 2.8 की, क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या बोला गया है कि दैट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया दे रखा है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर, दिस वन इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस दे रखी है प्लेट्स के बीच की 3 mm, मतलब 3×10⁻³ मीटर, दिस वन इज गिवन। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पहले तो ये निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हम लोगों ने निकालना। तो सी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85×10⁻¹², एरिया कितना है बेटा 6×10⁻³⁻³ अपॉन डिस्टेंस दैट इज 3×10⁻³⁻³, ये तो कैंसिल आउट और यहाँ से कुछ कह टू। सो दिस दैट इज इक्वल टू, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 10×16 और 1×17 10⁻²। सो मैं इसको लिखता हूँ सी इक्वल 1.77×10⁻¹১ फैराड, मीन्स आपके पास सी दैट इक्वल 1.8×10⁻¹১ फैराड, या फिर मैं इसको सी इक्वल लिख देता हूँ 18, इस 10 को नीचे ले जाऊँ तो आपके पास 10⁻¹² फैराड के बराबर। सो सी दैट इक्वल टू 18 पीको फैराड के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज पूछी गई है हम लोगों से कि दैट इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब क्या दिया गया है, ये तो कैपेसिटेंस निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये दिस वन इज द कैपेसिटेंस। अब वी कितना दे दिया गया, 100 वोल्ट, हमने क्या निकाला, चार्ज निकाला क्यू, चार्ज ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्यू दैट इज इक्वल टू सी इनटू वी। सी कितना है 18×10⁻², और b कितना है 100, तो कितना बच गया बेटा आपके पास q दैट इज इक्वल टू 18×10⁻¹² कूलम, मींस हम लोग बोल सकते हैं q इज इक्वल टू 1.8×10⁻¹². दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला गया है। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8, मतलब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, आप 3 mm थिक माइका शीट ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6, 3 mm मतलब पूरा का पूरा स्पेस जो है फिल कर दिया, जिससे माइका शीट से कर दिया गया, जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दे रखा है 6 दे रखा है, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड आफ्टर द वोल्टेज सप्लाई वर डिस्कनेक्टेड, देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या क्या है, देखो इसमें हमने जो निकाला उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और जो हमारे पास नई चीजें हैं उनको हम लोग यूज करेंगे। 2.5 की बात करते हैं, पहली बात सी नॉट हमने निकाला था कितना 18 पीको फैराड, मतलब 18×10⁻¹, मतलब मैं ऐसे ले लेता हूँ 18 पीको फैराड। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आया है। ठीक, चार्ज अरे V0 100 वोल्ट और चार्ज हमारे
पहला केस इसमें बोला गया है व्हेन बोल्ट इज, पहली चीज बोली गई है कि दैट व्हेन द बोल्ट इज फ्लाई रिमेन कनेक्टेड, व्हेन बोल्ट इज फ्लाई रिमेन कनेक्टेड। देखो कैपेसिटेंस दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एंड वोल्टेज, तो हमारे पास यहाँ पर के के की वैल्यू और दे रखी है, यहाँ पर के आपके पास कितना दे रखा है कि दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर, तो न्यू कैपेसिटेंस सी दैट इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर दैट इज के कितना 6 इनटू 18 पिको फैरड दैट इज 108 पिको फैरड, ये तो कैपेसिटेंस है। ठीक है, व्हाट इज फ्लाई दैट मींस कनेक्टेड, इट मींस आपके पास द फाइनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज, तो ये आपके पास रहेगा 100 वोल्ट, और चार्ज क्यू दैट विल बिकम्स के टाइम्स, ये हमने किया हुआ है डायरेक्ट चार्ज यूज करने हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो के क्यू नॉट मतलब आपके पास के कितना आ गया 6 1.8 × 10⁻⁹ गुना, तो ये आपके पास आ गया कितना क्यू दैट इज इक्वल टू 10.8 × 10⁻⁹ कूलम मीन्स 1.08 × 10⁻⁸। दूसरी बात बी, व्हेन वोल्टेज फ्लाई क्या किया गया इसको, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई को क्या कर दिया गया डिस्कनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड,
2.11. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? C1 there has 600 picofarad. The 600 into 10 raised to the power minus 12 farad, that is 6 into 10 raised to the power minus 10. ठीक है, और इसको कितने तक किया गया हमारे पास, दैट इज चार्ज टू 200 वोल्ट, ये हमारे पास क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, C2 दैट इज ऑल्सो 600 पिको फैराड, मतलब 6 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 फैराड के बराबर, और ये है अनचार्ज, मतलब V2 दैट इज इक्वल टू जी। लॉस इन एनर्जी निकालने को आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले की एनर्जी, इसकी एनर्जी निकाल दो, इसमें तो जीरो है, हाफ C1V1 स्क्वायर, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल निकाल दो, फिर कॉमन एनर्जी निकाल दो, E2 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 + C2 × V2, और E1 में से E2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, वो प्रोसेस है। या फिर लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, लॉस ऑफ एनर्जी हमने फार्मूला किया था C1 C2 × V1 − V2 का स्क्वायर अपॉन 2 × C1 + C2, ये फार्मूला। सो दिस इज लॉस इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास C1 कितना है, 6 × 10⁻⁻⁶ × 6 × 10⁻⁻⁶, ये V1 आपके पास कितना है 200 − 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × दोनों बराबर हैं तो 6 + 6 × 10⁻⁻⁶, ये हमारे पास, तो ये तो हो गया कैंसिल आपके पास। ठीक है, तो बच गया आपके पास 6 × 6 × 10⁻⁻⁶, यहाँ पर 200 का स्क्वायर आ जाएगा तो 2 × 4 × 10⁻⁴ बच गया हमारे पास, और यहाँ से आ गया 2 × 12 10, तो 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो बच गया 6 × 10⁻⁶ जो दिस वन इज अ लॉस इन द एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन द केमिस्ट्री। दूसरे केस में भी यही आएगा आपके पास, अगर आप लोग करना चाहो तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नया कंसेप्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2.15 एडिशनल एक्सरसाइज है, 2.15 इसमें क्या बोला गया, स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज क्यू, ये है हमारे पास, ये स्फेरिकल सेल है कंडक्टिंग सेल, अलग अलग रेडियस इसकी दे दी गई है आपके पास, इंडक्शन, तो उतना ही
पॉजिटिव चार्ज आपके पास बाहर वाले सरफेस के ऊपर ग्रहण हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। जितना अंदर नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही बाहर कितना हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया माइनस स्मॉल क्यू, तो यहाँ पर प्लस आ गया स्मॉल ये। तो बाहर वाले सरफेस के ऊपर नेट चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू और अंदर वाले सरफेस के ऊपर आ गया माइनस क्यू, ठीक है। तो हम लोग आप निकालेंगे दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला आपके पास और इनर सरफेस सिग्मा वन चार्ज और इनर एरिया चार्ज है इसके ऊपर माइनस क्यू, ये माइनस बिल्कुल लगाना है माइनस क्यू अपॉन एरिया फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऑन आउटर सरफेस टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा यहां पर क्यू प्लस क्यू, ये आ गया टोटल चार्ज अपॉन एरिया फोर पाई आर टू स्क्वायर। बी पार्ट इसमें क्या पूछा गया कि दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज इरेगुलर शेप एक्सप्लेन। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यस आपके पास आंसर क्या आएगा यस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी दैट इज जीरो। Electric field inside the cavity is zero. जो conducting है, conducting. Because it provides electrostatic shield. It provides electrostatic shield. कोई सी भी हो आपके पास है, कोई भी शेप हो, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप। शेप से क्या है ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा इसके अंदर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर 2.20 की बात करेंगे हम लोग 2.20। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि दैट टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड ईच अदर बाय अ वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स। दो स्पीयर्स हैं, उनको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, इट मीन्स चार्ज फ्लो करेगा एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर तक, तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्यों, क्योंकि आपके पास कब तक करेगा, आपके पास जो चार्ज फ्लो करता है दैट फ्लोस फ्रॉम द बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू द बॉडी एट लो पोटेंशियल, कब तक आपके पास फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब एस द स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, देयरफॉर पोटेंशियल जो हम का जाएगा सेम आएगा, तो इसका मतलब आपके पास वी वन दैट इज इक्वल टू वी टू यही होगा। तो इसका मतलब वी वन क्यू अपॉन क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पहले की रेडिएशन ए इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो मैं अगर रेशियो निकालू क्यू वन ओवर क्यू टू की, तो क्यू वन अपॉन क्यू टू दैट इज इक्वल टू ए अपॉन डी, लेट इट बी नंबर वन। देखो ये क्यू वन अपॉन क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइड कुछ रहेगा बी उस साइड। सो नाउ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ई वन ओवर ई टू
Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बी स्क्वायर। तो यहां से मैं देखूं तो मेरे पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इनटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यूजिंग वन Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू 1 से यूज कर रहा हूं, यूजिंग वन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर है E अपॉन B इनटू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इससे बेटा ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या आएगा E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू B अपॉन A। अब बोला गया है कि इसी कंसेप्ट को यूज करके एक्सप्लेन करो कि दैट द चार्ज डेंसिटी एट द सर्फर ऑफ द पॉइंटेड एंड्स इज लार्ज देन दैट एट द फ्लैट रेक्स। हमारे पास यही पूछा गया है कि दैट क्या बोला गया है कि दैट यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पॉइंट्स और पोर्शंस। सो चार्ज डेंसिटी निकालते हैं हम लोग यहां पर अगेन सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 चार्ज पर एरिया Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आता है तो ए स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। सो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 की बात करें तो Q1 ओवर Q2 और यहां से आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यूजिंग 1 यहां से फिर से यूज करते हैं हम लोग यूजिंग 1 सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सो दिस इज the radius for the first sphere and this is the radius for the second sphere. So it means we can say that this charge density that varies inversely as the radius. तो इसका मतलब अगर pointed end क्या होगा pointed होगा तो radius small होगी तो means charge density क्या होगी ज्यादा होगी। Hence the charge density is large at the pointed ends. ठीक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that the charge density on the sharp ends of the pointed ends is a large. Sharp density at pointed ends is a large and vice versa. ठीक है एक चीज और करते हैं हम लोग यहां पर कई बार पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम लोगों ने जो चार्ज निकाला है कैपेसिटर के वो निकाला है एक प्लेट के ऊपर, मतलब जितना एक प्लेट के ऊपर चार्ज उतना ही अपोजिट पोलैरिटी का दूसरी प्लेट के ऊपर आता है। तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर की बात करें अगर हम लोग कई बार पूछा जाता है तो इसको नोट रखना है आप लोगों ने कि दैट नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू जीरो, हमेशा क्या आएगा जीरो के बराबर आएगा। ठीक है तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों ने करने हैं और कुछ बाकी जो बचे हैं अदर क्वेश्चन वो हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के लिए बेटा आप लोगों के पास इतना ही है, ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो नेक्स्ट यूनिट दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है अगला जो लेक्चर होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को मिलेगा। इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, बाकी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है सो होगा नाइस टाइम।